रुड़की में जिम ट्रेनर वसीम की मौत पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। अभी तक इस मुद्दे पर विपक्षी दल सूबे की धामी सरकार और पुलिस को जमकर घेर रहे थे, तो वहीं अब इस विवाद में सत्ताधारी बीजेपी की एंट्री हो गई है। कांग्रेस जहां वसीम के परिवार के साथ खड़ी होकर सड़कों पर इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है, तो वहीं बीजेपी नेता अब पुलिस के समर्थन में उतर आए हैं, जिससे वसीम की मौत पर विवाद अब सियासी दंगल में तब्दील होता दिखाई दे रहा है। इस दंगल में एक तरफ सत्ताधारी बीजेपी और धामी की पुलिस है, तो दूसरी तरफ विपक्षी दल और वसीम का परिवार। अब विवाद सिर्फ जिम ट्रेनर वसीम की मौत तक सीमित नहीं है, बल्कि ये विवाद अब धर्म के आधार पर लोगों को बांटने वाली सियासत तक आ पहुंचा है। नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं और पहाड़ों पर सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। जो एक कांग्रेस पार्टी है, चाहे उसके पूर्व मुख्यमंत्री हों, चाहे हरिद्वार के सारे विधायक हों या अन्य जनप्रतिनिधि हों, कांग्रेस को मानने वाले, वो सारे के सारे लोग गौ हत्यारों के साथ खड़े हैं। उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाया कि इसको, इस गौ हत्यारे को, इस नौजवान, उसको नौजवान कहती है कांग्रेस, वो बहुत अच्छा नौजवान था, बहुत जुझारू नौजवान था, हमारी पार्टी का बहुत अच्छा कार्यकर्ता था, ये कहते हैं किसको पुलिस ने मारा है। हरीश रावत के नेतृत्व में अपने सारे विधायकों को लेकर, अपने प्रदेश अध्यक्ष को लेकर पूरे गौ हत्यारों के साथ खड़ी है। मैं इसकी घोर शब्दों में निंदा करता हूँ। हम किसी भी कीमत पर गौ हत्या करने वाला कितना भी बड़ा ताकतवर हो, कितना भी ज़्यादा पैसे वाला हो, किसी भी राजनीति का संरक्षण उसको प्राप्त हो, हम उनके इस मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। वसीम को गोमांस तस्कर बताकर पुलिस का समर्थन करने वाले और गौ तस्करों को गोली मारने की बात करने वाले बीजेपी के पूर्व मंत्री स्वामी अतीश्वरानंद ने एक बार फिर कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। स्वामी अतीश्वरानंद समेत बीजेपी के बड़े नेताओं ने हरिद्वार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पूर्व सीएम हरीश रावत और कांग्रेस को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि वसीम गोमांस तस्कर था और पुलिस से बचने के लिए तालाब में कूद गया था, जिससे उसकी मौत हो गई। कांग्रेस पार्टी अपनी सियासत चमकाने के लिए बेवजह पुलिस पर हत्या का आरोप लगा रही है। उन्होंने हरीश रावत पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। मैं हरीश रावत जी को बेतौर नेता के रूप में सम्मान नहीं करता, एक उसकी उम्र ज्यादा होगी इसलिए मैं उसका सम्मान कर सकता हूँ। वो व्यक्ति नेता बनने लायक ही नहीं है, जिस प्रकार के दोष उसके अंदर है और सबका पागल बनाता घूमता है 24 घंटे राजनीति करने के लिए। गाय का पूजन भी करेंगे और गाय माता से बात भी करेंगे, वो गाय माता हमारे को क्या कहेगी हम आपको बताएंगे, और मुझे पूरा विश्वास है वो गाय माता जो हमारे को संदेश देगी वो केवल एक ही संदेश देगी, इस जिले की गाय को और इस रावत जी से बचाओ स्वामी जी। कुछ दिन पहले रुड़की के माधोपुर गांव में तालाब से जिम ट्रेनर वसीम का शव बरामद हुआ था। पुलिस का दावा है कि गोमांस तस्करी का आरोपी वसीम पुलिस से बचने के लिए तालाब में कूद गया और डूबने से उसकी मौत हो गई। वहीं वसीम के परिवार और ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने वसीम को मारकर तालाब में फेंक दिया। वसीम की मौत के बाद से ही कांग्रेस इस मुद्दे पर सूबे की धामी सरकार और पुलिस को जमकर घेर रही है। कांग्रेस के दिग्गज नेता वसीम के परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। विरोध प्रदर्शन और धरना देकर सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि वसीम के परिवार को इंसाफ दिलाकर रहेंगे, फिर चाहे इसके लिए दिल्ली तक ही लड़ाई क्यों न लड़नी पड़े। तीन बहनों का एक भाई, माँ बाप दोनों पागल बने बैठे हैं, सारा गांव अगल बगल अड़ोस पड़ोस सब चीख चीख करके कह रहे ये हत्या है कर। तो ये जब सब हो रहा है उसके खिलाफ ये कांग्रेस जन अपना दायित्व पूरा करने के लिए आए हैं और ये आज यहाँ घेराव कर रहे हैं। हम लोग देहरादून भी चलेंगे, हम विधानसभा का घेराव करेंगे, हम मुख्यमंत्री के कार्यालय का घेराव करेंगे। हम लोग यदि जरूरत पड़ी तो इस लड़ाई को हम दिल्ली भी लेकर के जाएंगे। दावों और आरोपों के बीच वसीम की मौत अभी भी अनसुलझी पहेली बनी हुई है। हालांकि इस घटना ने देवभूमि में सियासी भूचाल जरूर ला दिया है। अभी तक सिर्फ कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों के नेता ही धामी सरकार और पुलिस को घेर रहे थे, लेकिन अब उत्तराखंड पुलिस को सत्ताधारी बीजेपी का समर्थन मिलने लगा है। मौजूदा हालातों को देखकर यही लगता है कि वसीम की मौत का मामला अब उत्तराखंड में सबसे बड़ा सियासी मुद्दा बनने वाला है। जब सत्ता पक्ष और विपक्ष सियासी अखाड़े में एक दूसरे पर दांवपेच आजमाते हुए नजर आएंगे। वसीम की मौत ने विपक्षी दलों को सियासी रोटियां सेकने का सुनहरा मौका दे दिया है। विपक्ष सहानुभूति के सहारे सियासत चमकाने की कोशिश में है, तो वहीं सत्ताधारी बीजेपी तुष्टीकरण के आरोपों वाले तीर लेकर विपक्ष पर टूट पड़ी है। मतलब रुड़की सियासी रण का वो कुरुक्षेत्र बन चुका है जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के धुरंधर अपने अपने दांवपेचों से एक दूसरे को पटखनी देने के लिए तैयार हैं।
तो क्या हिंदू मुस्लिमों को बांटने वाली सियासत का असर आने वाले चुनावों में भी देखने को मिलेगा? ये एक बड़ा सवाल है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।